जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि आज भी पेरेंट्स और कोचेस कई यंग प्लेयर्स को मुझसे मिलाने लाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या इस बच्चे में अच्छा प्लेयर बनने की काबिलियत है। सचिन साहब कहते हैं, मैं प्लेयर्स की क्षमता देखने के लिए या पोटेंशियल जानने के लिए ना उनके स्टैट्स देखना चाहता हूँ, ना उनकी टेक्निक और बेसिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ, ना उनकी पावर और टाइमिंग देखना चाहता हूँ। सचिन कहते हैं, मैं बस दो योग्यताएं देखना चाहता हूँ। पहला, क्या प्लेयर हर बार सीख कर इम्प्रूव कर सकता है? दूसरा, क्या वो प्रेशर में सीखे हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकता है? दोस्तों, असल में दूसरा पॉइंट पहले का डेरिवेटिव है। अगर आपको सीखना आता है तो आप प्रेशर में खेलना और सही प्लान एग्जीक्यूट करना भी सीख सकते हो। कैसे? सचिन साहब की प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। तेज रफ्तार और अनइवन बाउंस विदेशी पिचेस की पहचान है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि सीमेंट वाली पिच पर पानी भरा हुआ है और रबर बॉल से सचिन बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पानी भरने से पिच का सरफेस फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे टप्पा खाने के बाद रबर बॉल की स्पीड ज़्यादा कम नहीं होती। साथ में कहीं पानी गहरा है कहीं उथला, तो बॉल अनइवन बाउंस भी लेती है। ये बेहतरीन उदाहरण है डेलिब्रेट प्रैक्टिस की रियल लाइफ एप्लीकेशन का। जैसे सचिन यहाँ इंग्लिश पिचेस के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वैसे ही जो कठिनाई आपको परेशानी में डालती है, जो एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज आपको मैच, एग्जाम, इंटरव्यू या मीटिंग के दौरान असली जिंदगी में आने वाले हैं, वो सब आप प्रैक्टिस में पहले ही ले आते हो, जिससे आप कुछ नया सीखते हो और अपनी टेक्निक्स एडजस्ट करते हो। डॉन ब्रैडमैन साहब का एग्जाम्पल अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस है क्या। हर काम में कला या स्किल छिपी है और हर स्किल में कुछ सब स्किल्स होती हैं, जिनमें बहुत बेसिक स्टेप या प्रोसेस होते हैं। जैसे जैसे आप मास्टरी हासिल करते हो, वैसे आप स्टेप्स को मॉडिफाई भी करते हो। अगर कुछ गड़बड़ होने लगती है तो आप वापस बेसिक पर चले जाते हो और गलती सही करते हो। इसलिए हारने के बाद चैंपियंस बिल्कुल सही कहते हैं, वी विल रिविजिट द बेसिक्स। दोस्तों, शायद आप दिक्कत समझ गए हो। हमको हमेशा बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन हमको किसी ने सीखना नहीं सिखाया। जब कुछ सीखने या इम्प्रूव करने में दिक्कत आती है तो हमारे पास बेसिक्स का बेंचमार्क नहीं होता, यानी हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ को ठीक करें। जब आप कहते हो कि मुझे मैथ समझ नहीं आता, तो असलियत में आप कह रहे हो कि मुझे मैथ सीखना या प्रैक्टिस करना नहीं आता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का प्रयोग कैसे करें? सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए एक स्किल पकड़ो, फिर स्किल को बेसिक स्टेप्स या प्रोसेस में तोड़ो, फिर निश्चय करो कि किस स्टेप में इम्प्रूवमेंट लाना है। इस इम्प्रूवमेंट को स्ट्रेच गोल भी कहते हैं, क्योंकि आप अपनी क्षमता से हर बार थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी परफॉर्मेंस को लगातार मेजर करो, यानी कॉन्स्टेंट फीडबैक। फिर आखिर में अपनी गलती को उसी समय सुधारते जाओ। अगली कहानी भी कुछ ऐसे ही है। शायद अनजाने में बचपन से डॉन ब्रैडमैन साहब भी डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते आए थे। वे छोटी और सख्त रबर की गोल्फ बॉल से अपने घर के वाटर टैंक के निचले हिस्से पर मारते। इस छोटी बॉल को वे करीबन 3 सेंटीमीटर के पतले से स्टंप के साथ खेलने की कोशिश करते। वाटर टैंक की गोल दीवार से टकराकर बॉल हर बार अलग डायरेक्शन में जाती और सख्त होने के कारण बॉल की रीबाउंड स्पीड भी तेज होती। इस अभ्यास से डॉन ब्रैडमैन साहब की पूरी बैटिंग नहीं सुधरी, बल्कि दो मुख्य सुधार हुए। पहला, छोटी बॉल और पतले स्टंप से खेलने के कारण उनकी एक्यूरेसी बढ़ी और उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतरीन हुआ। दूसरा, तेज आती हुई बॉल को खेलने के लिए वे कम रिएक्शन टाइम में पूरा हाथ घुमा के शॉट नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने बैकफुट पर शॉट खेलने के लिए कलाइयों का उपयोग करना सीखा। देखने वालों को डॉन ब्रैडमैन साहब की अनोखी स्टाइल देखकर लगता कि वे कितनी आसानी से जादुई तरीके से तेज गेंदों को खेल रहे हैं। इसका मतलब, जब आप छोटे छोटे पार्ट्स या सब स्किल्स में सुधार लाते हो और उन्हें एक साथ जोड़ते हो, तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। शुरू शुरू में ब्रैडमैन साहब अक्सर बॉल मिस करते थे। वे कहते हैं कि मैं तब तक प्रैक्टिस करता था जब तक मैं 4 में से 3 बॉल ना खेल लूं। ऐसा करने के लिए मैं कई बार घंटों प्रैक्टिस किया करता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का सीक्रेट 10,000 घंटे नहीं है, बल्कि ये क्या आप हर बार प्रैक्टिस में कुछ नया सीखते और करते हो,
जब भी आपको छोटी से छोटी चीज सीखते हो तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, बार बार रुककर गलती सुधारनी पड़ती है। इसलिए डेलिबरेट प्रैक्टिस में मजा नहीं है, आपको हर सेशन में मेहनत करनी पड़ती है। इसका तेंदुलकर साहब भी बढ़िया उदाहरण है। इंडिया के फॉर्मर ओपनर लालचंद राजपूत कहते हैं कि जब तेंदुलकर 13-14 साल के थे तब भी वो खाली नेट प्रैक्टिस नहीं करते, वे बॉलर से बात करते, अपने मन में काल्पनिक फील्ड सेट करते, इनिंग्स की तरह पहले सेट होते, तब जाकर शॉट्स खेलना शुरू करते। उनके लिए हर नेट प्रैक्टिस बिल्कुल असली थी और हर बॉल बहुत ज़रूरी। जवगल श्रीनाथ कहते हैं कि तेंदुलकर नेट प्रैक्टिस में लगातार बॉलर्स का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते, अगर आप अचानक इन स्विंगर डालो तो भी वो तैयार रहते, वो कोई भी बॉल बस यूं ही नहीं खेल रहे थे। श्रीनाथ आगे कहते हैं कि उस समय ODI में सचिन 6-7 नंबर पर बैटिंग करते थे, मैच में भी वो यही डिस्कस करते रहते कि अगली बॉल कैसी आने वाली है। दोस्तों, सालों पूरे कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस करते करते सचिन तेंदुलकर ने बॉलर्स के मन को समझने की कला विकसित कर ली थी। समरी में हम पूछते हैं एक बेसिक सवाल कि हम लोग जो पूरी स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, हम लोग डेलिबरेट प्रैक्टिस का प्रयोग क्यों नहीं करते? दो कमियों के कारण। पहला है डिज़ाइन। स्किल को सब स्किल्स और स्टेप में तोड़ने में और प्रैक्टिस को डिज़ाइन या प्लान करने में सोचना पड़ता है। अगर आप रोज़मर्रा की जल्दी में हो तो आप बिना सोचे समझे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। दूसरी कमी है फीडबैक। आप क्या सही कर रहे हो, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, इसका आपको लगातार फीडबैक मिलना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा मेंटर मिल जाए जो आपके लिए प्रैक्टिस का प्लान बना सके और प्रैक्टिस के बीच बीच में आपकी गलतियाँ बता सके, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके पास पर्सनल कोच नहीं है तो आप दो पैरामीटर्स का उपयोग कर सकते हो, एक्यूरेसी और स्पीड। हर सेशन का इंटेंशन बनाइए और उसे लिखिए कि मैं अगले 30 मिनट में ये दो टॉपिक पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ने वाला हूँ, जिसके कंसेप्ट्स और फैक्ट्स मैं 90% एक्यूरेसी से याद रखूँगा। या आप लिखिए कि अगले 30 बॉल मैं तेज कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करूँगा और 80% बॉल्स को बल्ले के बीच से खेलूँगा। दोस्तों, डेलिबरेट प्रैक्टिस पर आगे सीरीज जारी रहेगी, जहां हम नए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास समय हो तो फ्लो और न्यूरोसाइंस पर वीडियो देखिए और जानिए कि आपके दिमाग में क्या बदलाव होता है जब आप गहरे कंसंट्रेशन में जाते हो। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।